हेलो स्टूडेंट्स, ट्यूटोरियल्स के इस सीरीज में अब हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी और फ्रेमवर्क्स। इस मॉड्यूल में हम कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स होते क्या हैं, कितने टाइप के फ्रेमवर्क्स हैं और हर एक के अपने अपने क्या एडवांटेजेस हैं, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, वहाँ पर क्या रोल्स और रोल्स के साथ एसोसिएटेड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और किस तरह से हम पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस बना करके अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इसका जो एक अपनी भाषा में एक शब्द मुझे समझ में आता है, फ्रेमवर्क मतलब दायरा। जब भी कोई बातचीत चलती है कि ये जो काम कर रहे हैं आप इसको कानून के दायरे में रह के करें, तो जब हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क उसी तरह का एक दायरा है कि जो भी हम आईटी इंप्लीमेंटेशन करें, जो भी हमारा आईटी का काम हो, जो भी हमारे प्रोसेस हो, बिजनेस हो, वो सब एक दायरे में रहें, अभी हम अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएंगे। जो फ्रेमवर्क हैं दे आर नथिंग बट डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स, और ये डिस्क्राइब करते हैं कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर्स होने चाहिए और क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, ताकि हमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन और मैनेजमेंट में मदद मिले। अब सवाल ये उठता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की ज़रूरत कहाँ से आ पड़ी। आप कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका एक नक्शा बनाते हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये फ्रेमवर्क हमारे उसी नक्शे का काम करते हैं। दिस वर्क एज अ ब्लूप्रिंट टू डिज़ाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो अधिकतर रूल बने हैं वो अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया और यूके में बनाए हैं, वो लोग लीडर्स रहे हैं इस फील्ड में। पर जब उन रूल्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में लगाएंगे तो उनको हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, देश, काल और समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं, तो उनको हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कस्टमाइज करना होता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स का होता है, ये हमको अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस में और मैनेजमेंट में बहुत योगदान देते हैं। सबसे पहला एडवांटेज हमें जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का होता है वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन को सपोर्ट डिसीजन में कैसे इस्तेमाल किया जाए उसमें मदद मिलती है। हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं कंपनी के, उनको बड़ी आसानी से अचीव कर पाते हैं। जब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की बात कहें तो सबसे पहली चीज़ ये है, आज की तारीख में देखें तो इंफॉर्मेशन इज़ पावर। हमारी इंफॉर्मेशन अगर हमारे कॉम्पिटिशन्स के पास या हमारे एडवर्सरीज के पास चली जाती है तो हमें अपनी मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता, इनफैक्ट दूसरा उसका कोई फ़ायदा उठा सकता है। साथ ही साथ ये फ्रेमवर्क हमारे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन में बहुत मदद करते हैं। हमारे हार्डवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर, उन सबको यूटिलाइज, बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है उसके लिए हमें गाइडलाइन मिल जाती है। रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते आए हैं, रिस्क को कम नहीं किया जा सकता, बार बार हम यही बोलते आए हैं, रिस्क को एक लेवल तक रिड्यूस किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है। सभी सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स हमारे रिस्क मैनेजमेंट में हमको बहुत मदद देते हैं। साथ ही साथ जो कॉस्ट ऑफ सर्विसेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, उनको ऑप्टिमाइज करने में बहुत मदद मिलती है। हर देश के कानून अलग होते हैं, रेगुलेशंस अलग होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अलग होते हैं, तो उनको कंप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई मदद करता है तो ये फ्रेमवर्क्स करते हैं, क्योंकि इन हर एक के अंदर एक स्पेशल क्लॉज है कि आप अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी के, उनको लोकल
रेगुलेटरी लॉज के साथ आप उनको अलाइन करें। अब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में प्रैक्टिस करने वाले बेस्ट प्रैक्टिसेस और फ्रेमवर्क्स। कोई भी आईटी सिक्योरिटी प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्रेमवर्क है वो है आईएसओ 20,000 सीरीज। इसको दो ऑर्गेनाइजेशंस आईएसओ और आईसी ने मिलकर के डेवलप किया था। कुछ फ्रेमवर्क जो हैं वो खाली एंटरप्राइज आईटी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हैं जैकमैन फ्रेमवर्क, ओपन ग्रुप आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क टोगैफ, और एक और जो फ्रेमवर्क है इसमें वो मोडैफ, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूके ने आर्किटेक्चर आईटी आर्किटेक्चर डिफाइन करने के लिए ये फ्रेमवर्क बनाया था। हमारे पास सिक्योरिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के गाइडलाइंस हैं, फ्रेमवर्क हैं, एंटरप्राइज आईटी आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क हो गए। अब इन दोनों को इंटीग्रेट कैसे करना है उसका एक सबसे पॉपुलर मॉडल है जिसको बोलते हैं सबसा मॉडल, शेयरवुड अप्लाइड बिजनेस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। अब सिक्योरिटी कंट्रोल्स डेवलपमेंट के भी कुछ फ्रेमवर्क्स हैं, एक ऑबिट जो कि आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसाका और आईटी गवर्नेंस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था, SP 800-53, ये स्टैंडर्ड जो था वो NIST US ने US फेडरल डिपार्टमेंट के लिए डेवलप किया था। कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए जो फ्रेमवर्क है उसको हम कोसो के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ आईटी प्रोसेसेस का मैनेजमेंट के लिए जो हमारे फ्रेमवर्क हैं वो ITIL, सिक्स सिग्मा और CMMI। इन सब मॉडल्स को ये अपने आप में एक डोमेन है, तो यहाँ पे हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि इस तरह के मॉडल्स अलग अलग काम के लिए एग्जिस्ट करते हैं और इनका क्या यूटिलिटी है। एक एक फ्रेमवर्क के ऊपर अपने आप में एक सर्टिफिकेशन है और ये पूरा डोमेन है। ISO 27000 सीरीज जो है ये सबसे पहला, इसमें जो वर्जन आया था वो 2005 में आया था, तो लेटेस्ट जो अवेलेबल फ्रेमवर्क है वो 2013 वाला है। ये स्पेसिफिकली टारगेट करता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे डेवलप और मेंटेन किया जाता है। ये बेसिकली डिफाइन करता है कि कंट्रोल्स कहाँ पे हमको कैसे प्लेस करने हैं, उनको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है ताकि हमारी फिजिकल सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन और ऑडिटिंग हमारी स्ट्रीमलाइन हो सके। ये साथ ही साथ एक्सप्लेन करता है कि हमारे इन कंट्रोल्स को पूरी लाइफ साइकिल के दौरान कैसे मैनेज किया जाए। ISO 27000 2013 का जो A5 सेक्शन है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज से डील करता है, और इसमें डिफाइन किया जाता है कि जो भी हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं उनको हमें कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, और डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हम उसका रिव्यू किस टाइम पे और कैसे करेंगे। A.6 डिफाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या प्रारूप होना चाहिए। A.7 बताता है कि ह्यूमन रिसोर्स सिक्योरिटी कैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, कि हम उनको एम्प्लॉयमेंट के पहले क्या क्या हमें चेक्स रखने हैं, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हमको ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर क्या क्या चेक्स रखने हैं, और जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ जाता है तो हमारा क्या प्रोसेस और प्रोसीजर होना चाहिए। A.8 में हमको पूरी मदद मिलती है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि एसेट्स को कैसे मैनेज किया जाए, इंफॉर्मेशन को कैसे क्लासीफाई किया जाए, जो हमारे पास मीडिया है और एसेट्स हैं उस इन्वेंट्री को कैसे हैंडल किया जाए। A.9 एक्सेस कंट्रोल के बारे में पूरी डिटेल हमको देता है। A.10 व्हाट टाइप ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हमको अपनी कंपनी में लगानी है उसके बारे में पूरा डिटेल प्रोसीजर बताया जाता है। A.11 हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट और जो हमारा एनवायरमेंटल सिक्योरिटी है उसको कैसे इंश्योर करना है, क्या प्रोसीजर्स उसमें अडॉप्ट करने हैं, ये वहाँ पे उसकी गाइडलाइंस मिलती हैं। जो हमारा ऑपरेशनल सिक्योरिटी का जो एरिया है वो A.12 में कवर होता है। A.13 जो हम कम्युनिकेट करते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन,
और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, क्या मेथड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा, कैसे उस कम्युनिकेशन की सिक्योरिटी मेंटेन रखेंगे, पूरी गाइडलाइंस हमको 8.13 में मिलती हैं। अगर कोई नया सिस्टम खरीदना है, नया सिस्टम डेवलपमेंट करना है और उसको मेंटेन करना है, तो इसके बारे में गाइडलाइंस हमको 8.14 इसका जो चैप्टर है उससे मिलती हैं। सप्लायर्स के साथ कैसे रिलेशनशिप हमको बनाने हैं, बहुत बड़ा चैलेंज है आज की तारीख में। आपको एक वेंडर बेस डेवलप करना होता है टू एंश्योर दैट योर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज करेक्टली मेंटेन्ड, क्योंकि आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपको अगर कोई गलत मटेरियल सप्लाई कर दें तो उससे भी आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो सकती है। बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट और इससे जुड़े जितने भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे इंश्योर करना है कि हमारी बिजनेस कंटिन्यूटी अफेक्ट ना हो, वो 8.17 में कवर होते हैं। और जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं लोकल लॉज के साथ, वो 8.18 में कवर होते हैं। क्योंकि ISO 27000 2013 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, तो इसको हमने इसलिए डिटेल में कवर किया है। दूसरा एक फ्रेमवर्क है पॉसो फ्रेमवर्क, इसको कमिटी ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द रेडवे कमीशन ने 1985 में डेवलप किया था, इसको इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में पॉसो फ्रेमवर्क बुलाते हैं। जब ये डेवलप किया गया था तो इसका पर्पस था कि एंटरप्राइज का रिस्क मैनेजमेंट, उसमें जो फ्रॉड होने वाली एक्टिविटीज हैं, इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कैसे मैनेज किया जाए, ये इसमें पहले डिफाइन किया गया था। इसके साथ पांच जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट को मैनेजमेंट और बिजनेस के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जाए वो बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। कॉसो फ्रेमवर्क के पांच अलग अलग एरिनाज हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप टच करेंगे। सबसे पहला है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट डेमोंस्ट्रेट्स कमिटमेंट टू इंटीग्रिटी एंड एथिकल वैल्यूज, मींस आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं आपकी इंटीग्रिटी और एथिकल वैल्यूज आप उसको कितना एडहेयर करते हैं। एंश्योर्स द बोर्ड एक्सरसाइजेस ओवरसाइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट एस्टैब्लिश स्ट्रक्चर्स रिपोर्टिंग लाइन्स अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपका जो भी आपस में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरह का होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु विल बी द टॉप अथॉरिटी, हु विल बी द फॉलोइंग अथॉरिटी, ये कंट्रोल एनवायरनमेंट का हिस्सा आ जाता है। साथ ही साथ इट डेमोंस्ट्रेट्स कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। आपकी जो भी वर्कफोर्स है दे शुड बी कमिटेड टू द कॉम्पिटिशन, द कॉम्पिटेंट पर्सनल डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड एक्सलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये सब तब तक नहीं हो पाता जब तक आप लोगों को अकाउंटेबल होल्ड नहीं करेंगे। तो इसमें पूरे प्रोसेस एनवायरनमेंट में डिफाइन हो जाते हैं ताकि एक एक आदमी जिसको जो रोल दिया गया है, जो जिसको काम करना है, उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में बनी रहे। दूसरा स्टेप कॉसो में आता है रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले हम रिस्क के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं, एक एक रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, पॉसिबल फ्रॉड्स और जो उससे उत्पन्न होने वाले रिस्क हैं उनको भी साथ साथ इवेल्युएट किया जाता है। देन वी आइडेंटिफाई एंड एनालाइज चेंजेस दैट कुड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इंटरनल कंट्रोल्स। रिस्क असेसमेंट करने के बाद जो अगली एक्टिविटी है वो रिस्क कंट्रोल एक्टिविटी है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमें रिस्क मिनिमाइज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का सिलेक्शन है और वो कंट्रोल्स कैसे बनाए जाएंगे वो हम इसमें डिसाइड करते हैं, और साथ ही साथ उन टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल को डिप्लॉय करना और जो हमने पॉलिसीज और प्रोसीजर्स पहले बना चुके हैं उसको इनके साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इस स्टेप में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसका अगला जो स्टेप है वो है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। वी यूज रेलेवेंट क्वालिटी इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द इंटरनल कंट्रोल फंक्शन। हमको बाहर वाले शख्स से, बाहर वाली ऑर्गेनाइजेशन से, बाहर वाली पार्टीज से कैसे कम्युनिकेट करना है, उनको क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी है, और अंदर ही अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी वो पीयर्स लेवल पे या टॉप डाउन लेवल पे किस तरह से
इसको इन्फॉर्मेशन पास होनी है, ये हम इस स्टेप में डिफाइन करते हैं। लास्ट स्टेप में जो कि मॉनिटरिंग का है, उसमें हम जो भी हमने प्रोसेस हमारे चल रहे हैं, जो हमने एक बार डिफाइन कर दिए, उनका हम टाइम टू टाइम एक रिव्यू लेते हैं कि जो हमने सोचा वो सही सलामत है या उसमें कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है, और अगर हम कुछ फील करते हैं कोई उसमें डेफिशिएंसी है तो उसको इंटरनल कंट्रोल्स की वजह से माध्यम से हम उसको कम्युनिकेट करते हैं और उनको करेक्ट करते हैं। एक और जो फ्रेमवर्क है कॉबिट, जिसको कि इसाका ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था, फॉर्मली इट वॉज नोन एज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ये एक बिजनेस फ्रेमवर्क है जिससे कि आईटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट और गवर्नमेंट्स में मदद मिलती है। बेनिफिट्स ऑफ कॉबिट फ्रेमवर्क, इसाका के अनुसार जो कॉबिट फ्रेमवर्क है वो हमें हाई क्वालिटी की इंफॉर्मेशन जो है फॉर बिजनेस डिसीजंस, उसको मेंटेन करने में हमें बहुत मदद देता है। हमारे जो भी स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं और बिजनेस बेनिफिट्स जो हमको लेने वाले हैं विद द यूज ऑफ आईटी, उसमें बहुत मदद मिलती है। ऑपरेशनल एक्सीलेंस थ्रू रिलायबल एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन इजीली अटेन बाय यूजिंग कॉबिट फ्रेमवर्क। वी मेंटेन आईटी रिलेटेड रिस्क टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। We optimize the cost of IT services and technology, which is an integral part of earlier framework also. साथ ही साथ जो भी हमारे support compliance हैं, जो हमारे relevant laws हैं, regulations हैं, contractual agreements हैं, उनको कैसे ensure किया जाता है, COVID framework हमको पूरी मदद देता है। अब हम बात करेंगे security policies के बारे में। Security policies क्या होती हैं? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमने पहले फ्रेमवर्क बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। इसी तरह से सिक्योरिटी को चलाने के लिए अनटिल अनलेस हमारे पास एक सिक्योरिटी पॉलिसी, एक स्ट्रीमलाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी अगर नहीं है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो एक स्टेटमेंट है जो कि हमें टॉप मैनेजमेंट डिफाइन करता है और ये बताता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी का क्या रोल है। इस पॉलिसी की वजह से एक पूरी आउटलाइन बनती है कि जो भी हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई है टॉप मैनेजमेंट ने वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे इम्प्लीमेंट होगी। एक सिक्योरिटी पॉलिसी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पॉलिसी जो है वो बिजनेस के साथ अलाइन करनी चाहिए, ना कि कुछ और। जैसे कि आईटी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, आईटी शुड सपोर्ट द मेन बिजनेस फंक्शन, ना कि जो आपका मेन बिजनेस फंक्शन है वो आईटी को सपोर्ट करने लगे। इट शुड बी इजीली अंडरस्टूड बाय ऑल द एम्प्लॉयज। जो ऑर्गेनाइजेशन में जो लास्ट एम्प्लॉय है, सबसे छोटा एम्प्लॉय, न्यूली जॉइंट, उसको भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज है सिक्योरिटी पॉलिसी वो अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, तब कहा जाएगा कि ये पॉलिसी है वो इफेक्टिव पॉलिसी है। जो भी हमारे बिजनेस फंक्शंस हैं उन सब में हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी इंक्लूड होनी चाहिए, तभी इसको हम अच्छी पॉलिसी मानेंगे। जो भी हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं उसका वर्जन कंट्रोल होना चाहिए कि आज हमने ये पॉलिसी निकाली, साल भर बाद जब हमने इसको रिवाइज किया तो उसका नया वर्जन निकला। तो इस तरह से हमको ये मॉनिटर भी करना होता है कि वर्जन 1 से वर्जन 2 में हमने क्या क्या चेंजेस पाए, हमारे क्या क्या चैलेंजेस थे, और उन सब चैलेंजेस को आगे कम्युनिकेट किया जाए और इनको पॉलिसी के फॉर्म में उतारा जाए। इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी स्टेटमेंट्स हों वो बड़े क्लियर कट और डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट्स हों, कोई अनएम्बिगियस, कोई अनक्लियर बात नहीं होनी चाहिए। जो आदमी जो उसको बोला जा रहा है वो ही उसका मतलब आना चाहिए, तभी वो एक इफेक्टिव और अच्छी पॉलिसी मानी जाती है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम टू टाइम, जैसे जैसे एनवायरनमेंट बदलता है, जैसे जैसे लोग बदलते हैं, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस बढ़ता है, उसके साथ सिक्योरिटी पॉलिसी को भी चेंज किया जाता है। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। आई होप यू एंजॉयड दिस, एंड
जो भी हमने इसमें डिस्कस किया आप उसको अपने प्रैक्टिकल यूज में ला पाएंगे. थैंक यू. वी मीट अगेन फॉर अदर मॉड्यूल.